गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ्स फोर्थ चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज नंबर्स अप टू थाउजेंड। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर मैथ वर्कबुक एंड ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 44। जैसे कि देखो बच्चों, आज हमें नए चैप्टर को शुरुआत करनी है और चैप्टर का नाम क्या है, नंबर्स अप टू थाउजेंड। इस चैप्टर में हमें नंबर्स 101 से लेकर 1000 तक के नंबर हमें सीखने हैं। जैसे कि देखो बच्चों, आपको पेज नंबर 44 पर नंबर्स दिए 100 to 200। जैसे कि देखो आपको इसको पढ़ना कैसे है। जैसे कि देखो, हाउ मेनी डिजिट्स इन दिस नंबर, 1, 2, 3। मीन्स यह नंबर कितने डिजिट वाले हैं, 3 डिजिट वाले नंबर्स। ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्ट जो वन है वह वंस प्लेस पे, बाद में जीरो जो है वो टेंस प्लेस पे है, और बाकी आगे का जो वन है वो 100 प्लेस पे है। ओके, मीन्स वंस टेंस 100, मीन्स 101। आपको इसको पढ़ना कैसे है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। वैसे ही 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। वैसे ही आपको आगे के जो नंबर से वो इस तरीके से आपको पढ़ने हैं। जैसे कि देखो, लास्ट की लाइन हम लेंगे 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और 200। इस तरीके से बच्चों आपको यह नंबर रीड करने हैं। ओके, जैसे कि देखो बच्चों, आपको एक ध्यान में रखना है, जैसे कि 100 है, बाकी के जो नंबर है 1 से लेकर 99 तक, वह नंबर आपको पूरे लर्न है, क्योंकि पिछले स्टैंडर्ड में हमने नंबर्स अप टू 100 देखे थे। वैसे ही आपको उस नंबर के पहले 100 लगाना है और बाकी के नंबर आपको उसको जोड़कर बोलने। जैसे 191, आपको पता ही है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये पूरे नंबर आपको लर्न है। इसको पहले, अभी कौन सा एक नंबर ज़्यादा ऐड हो गया इसमें, 3 डिजिट वाला नंबर 100, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है 191, 192, 193, 194, 199 और 200। इस तरीके से आपको यहाँ पर 101 से लेकर 200 तक के नंबर को पढ़ना भी है और आपके नोटबुक पर लिखना भी है। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 45 पेज नंबर पे देखो बच्चों, आपको एबेकस क्या होता है, एबेकस के बारे में आपको जानकारी दी है। जैसे कि 3 डिजिट्स नंबर्स ऑन एबेकस, आपको एबेकस पर 3 डिजिट वाले नंबर कैसे सीखने हैं वह दिया है। जैसे कि वी नो दैट 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। जैसे कि आपको पता है 2 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 99, और 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट वाला नंबर कौन सा है, 100। 10 टेंस मेक 100, जैसे कि आपको मैंने सिखाया था, जैसे कि 10 टेंस 100। टू रिप्रेजेंट 3 डिजिट नंबर ऑन द एबेकस वी नीड 3 डॉट्स। देखो अभी हमें 3 डिजिट वाले नंबर एबेकस पर सीखने के लिए, एबेकस पर रॉड कितने होने चाहिए, 3 रॉड्स होने चाहिए। जैसे कि देखो, यहाँ पर आपको एबेकस का एक पिक्चर दिया है। जैसे कि वंस पहला जो रॉड है, यह जो पहली लाइन है इसको कहते हैं रॉड। क्या कहते हैं, रॉड। जैसे कि हमने देखा था वंस टेंस 2 डिजिट वाले नंबर्स की नंबर जो है वो हमने सीखे है, इसमें एक ऐड हो गया, कौन सा, 100 वाला, मतलब 3 डिजिट वाले नंबर। जैसे कि पहला रॉड जो है वह कौन सा रॉड है, वंस रॉड, बाद में सेकेंड नंबर का रॉड टेंस रॉड, और तीसरा 100 रॉड। मतलब जैसे कि देखो, वंस रॉड पे अगर इसमें, अभी देखो इस रॉड में छोटे छोटे बीड्स होते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर अगर 1 बीड हुआ तो यहाँ पर मतलब 1 नंबर वह रिप्रेजेंट करेगा। बाद में यहाँ टेंस प्लेस पर अगर 4 बीड्स, छोटे छोटे 4 बीड्स होंगे, तो वह 4 जो है वह मतलब 4 नंबर वह रिप्रेजेंट करेगा। और 100 प्लेस पर समझो यहाँ पर 8 बीड्स है, तो वह 8 नंबर जो है वह रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू जो है इसकी वह अलग रहेगी। जैसे कि वंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है, टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है मतलब
उसकी वैल्यू जो है वो 10 से बढ़ जाती है, मतलब जिसको हम मराठी में एकक दशक शतक कहते हैं ना। जैसे कि वंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है, टेंस प्लेस पे उसकी प्लेस वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है, और हंड्रेड प्लेस पर उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 100 से बढ़ जाती है ना। इस तरीके से हमने देखा है, जैसे यहाँ पर देखो आपको एबेकस दिया है, जैसे द एबेकस बिलो रिप्रेजेंट सम थ्री डिजिट्स नंबर, यहाँ पर देखो आपको एबेकस दिया है और उस एबेकस में कुछ छोटे छोटे बिट्स दिए हैं। जैसे कि वंस प्लेस पर आपको कोई बिट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पर वंस प्लेस पर यहाँ पर नंबर कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? वो जीरो। यहाँ पर टेंस प्लेस पर आपको कोई बिट्स दिखता है? नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है? जीरो होता है। और 100 प्लेस पर आपको यहाँ पर वन बिट दिखाई दे रहा है, मतलब आपको यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा? वन। मतलब यहाँ पर देखो अब ये नंबर कौन सा हो गया? वंस टेंस हंड्रेड, तो यह नंबर कौन सा हो गया? वन हंड्रेड, क्योंकि यहाँ पर बाकी के टेंस प्लेस और वंस प्लेस की वैल्यू यहाँ पर जीरो दी है, मतलब यह वंस टेंस हंड्रेड, मतलब कितने हंड्रेड हुए? 100। ओके, आगे देखो बच्चों, जैसे कि देखो यहाँ पर सेकेंड आपको एबेकस दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हो आपको बिट्स को काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर कितने बिट्स है? 6। वंस प्लेस पर यह एबेकस कितना, यहाँ पर कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट करता है? 6। टेंस प्लेस पर आप बिट्स काउंट करो, यहाँ पर दिया है कितने बिट्स है? 5 बिट्स। और 100 प्लेस के रॉड पर यहाँ पर कितने बिट है? 1 बिट, मतलब यहाँ पर हमारा हमें नंबर कौन सा मिला? 1 5 6, मतलब 1 10 100, 100 फाइव टेन जा कितने होते? 50, मतलब 56, मतलब कितने हो गए? 156। अगर आप इस 5 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उस नंबर की जो प्लेस वैल्यू है वह पता चलती है, नहीं तो आप 5 5 10 बार अगर आप ऐड करते हो तो भी आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता चलती है। लेकिन यहाँ पर देखो आपको इस तरीके से पढ़ना कैसे? 156। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, आगे देखो आपको एक एबेकस दिया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, फर्स्ट रॉड, वंस रॉड पे कितने बिट्स है? 1 2 3 4, मतलब यहाँ यह पहला रॉड कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट करता है? 4। तो आपको देखना है बच्चों इस रॉड में जितने बिट्स होंगे उतना नंबर यहाँ पर नीचे आएगा, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? जैसे कि देखो पहला रॉड कौन सा है? वंस टेंस हंड्रेड, मतलब पहला जो रॉड है वह वंस प्लेस के नंबर रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड रॉड टेंस प्लेस का जो डिजिट है वह रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा रॉड हंड्रेड प्लेस पर जो डिजिट है वह रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर नंबर हमें कौन सा मिल गया? 100। यहाँ पर वन कौन सी जगह पर है? 100 प्लेस पर है, मतलब 134, यह नंबर क्या हुआ? 134। जैसे कि 3 10 30, और 3 4 मतलब क्या होता है? 34, मतलब ये नंबर क्या हुआ? 134। वैसे ही हमें आगे की कुछ नंबर दिए, जैसे कि यहाँ पर दिया है 201 167 236, इस तरीके से आपको इस नंबर को पढ़ना है। अभी देखो बच्चों आपके मैथ्स के वर्कबुक पेज नंबर 46 पर आपको यहाँ पर बिट्स को कलर करना है, जैसे कलर द बिट्स ऑफ द एबेकस टू शो द नंबर्स गिवन। जैसे कि देखो बच्चों आपको नंबर दिया है और वह नंबर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताना है कैसे। यहाँ पर जो वंस प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस पर जो रॉड्स दिए हैं उस रॉड में छोटे छोटे बीड्स है, उन बीड्स को कलर करके कैसे कलर करना है? जैसे कि वंस प्लेस पर आपको कौन सा नंबर दिया है? 2, मतलब यहाँ पर कि आपको कितने बीड्स को कलर करना है? 2 बीड्स को। यहाँ पर सेकेंड टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 8, मतलब यहाँ पर आपको 8 बीड्स को कलर करना है। बाद में देखो 100 प्लेस पर आपको कौन सा डिजिट यहाँ पर दिखाई देता है? 3, मतलब यहाँ पर आपको कौन से कितने बिट्स को कलर करना है? 3 बिट्स को। इस तरीके से आपको बिट्स को कलर करना है। बाद में देखो सो ये नंबर कौन सा हुआ? 3H, मतलब क्या हुआ? 382। अभी नेक्स्ट देखो, वैसे ही देखो यहाँ पर आपको एक नंबर दिया है जैसे 555, मतलब तीनों भी वंस टेंस हंड्रेड प्लस पर के तीनों भी नंबर सेम है, लेकिन प्लेस वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि वंस प्लेस पर जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है, टेंस प्लेस पर जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू 10 10 10 5 10, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 50, 5 10 50 भी बोल सकते हो आप, क्योंकि टेंस का मतलब क्या होता है? 10, दशक बोलते हैं उसको, और 100 मतलब 100, जैसे 500, मतलब 5 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी प्लेस वैल्यू मिलती है
5 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 500। जैसे यहाँ पर अभी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हम बीड्स को कलर करेंगे। पहले इसमें हमें वंस प्लेस पर जो रॉड है उसमें से कितने बीड्स को कलर करना है, 5। तो यहाँ पर मैंने 5 बीड्स को कलर किया। बाद में टेंस प्लेस पर आपको कौन सा नंबर दिखाई देता है, 5, मतलब इसमें से हमें 5 बीड्स को कलर करना है। बाद में 100 प्लस पर आपको कितने बीड्स से दिखते, यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है 100 प्लस के नीचे 5, मतलब यहाँ पर आपको 100 का जो रॉड दिया है एबेकस पर उसमें से आपको 5 बीड्स को कलर करना है। तो यहाँ पर हमें नंबर कौन सा मिला बच्चों, 5H, मतलब 555। ओके, इस तरीके से बच्चों आपको पेज नंबर 46 पर जो एबेकस दिए है उस एबेकस पर इस बीड्स को आपको कलर करना है। जैसे कि यहाँ पर वन नंबर डिजिट है तो यहाँ पर आपको एक बीड को कलर करना है। बाद में यहाँ पर 6 डिजिट दिखाई देता है आपको, तो इसमें से आपको 6 बीड को कलर करना है। बाद में यहाँ पर 100 प्लस पर आपको कौन सा नंबर दिखाई देता है, 4 डिजिट है, मतलब इसमें से हमें 100 रॉड पर, 100 का जो रॉड है एबेकस पर उसमें से हमें 4 बीड को कलर करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बीड्स को कलर करना है। अभी देखो बच्चों, अभी हमने एबेकस पर जो बीड्स होते हैं उसे कलर कैसे करना है यह हमने देखा है। जैसे कि आपको जो नंबर दिया होता है उस नंबर के प्लेस वैल्यू के अनुसार, जैसे कि आपको 5 1 5 ऐसे 5, जैसे कि वंस टेंस 100 जो प्लेस होते हैं उस प्लेस पर अगर आपको कुछ डिजिट दिए जाते हैं तो एबेकस पर जो बीड्स होते हैं उनको कलर कैसे करना है और उस नंबर को पढ़ना कैसे है यह हमने देखा है। अभी यहाँ पर देखो आपको, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एबेकस पर जो बीड्स है वह कलर करके दिए हैं। खाली आपको यहाँ पर क्या करना है, यह बीड्स कितने हैं यह काउंट करना है और वह डिजिट आपको उसके नीचे लिखना है। जैसे कि फर्स्ट एबेकस का पिक्चर है, यहाँ पर देखो वंस प्लेस पे जो रॉड्स दिया है वहाँ पर कितने बीड्स है, 1 2 3 4, मतलब यह फर्स्ट बीड कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, 4। बाद में टेंथ प्लेस का जो रॉड है वहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 10th प्लेस पर जो रॉड है वह नंबर कौन सा रिप्रेजेंट करता है, 6। और 100th प्लेस पर यहाँ पर देखो तीसरा रॉड है उसमें हाउ मेनी बीड्स इन 100th प्लेस रॉड्स, 1। सो स्टूडेंट्स वी विल राइट हियर 1। सो यहाँ पर नंबर हमें कौन सा मिला, देखो अभी पढ़ना कैसे, 1H, मतलब 1 कौन से प्लेस पर है, 100th प्लेस पर, मुझे मीन्स हमें इसको पढ़ना कैसे है, 100। और 64 मतलब क्या होता है, 64, 164, इसको हमें ऐसे पढ़ना है। बाद में देखो सेकेंड एबेकस का पिक्चर दिया है, जैसे कि वंस रॉड पर वंस प्लेस पे वन प्लेस का जो रॉड है वहां पर कितने बीड्स को कलर किया है, 2 बीड्स को, मतलब यहाँ पे हमें डिजिट कौन सा लिखना पड़ेगा, 2। बाद में जाते हैं हम टेंस प्लेस के रॉड की तरफ, यहाँ पर टेंस प्लेस का रॉड दिया है वहां पर कितने बीड्स है, 1 2 3 4, मीन्स टेंथ प्लेस का रॉड कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, 4। बाद में जाते हैं हम 100 प्लेस के रॉड की तरफ, जैसे कि देखो 100 का जो रॉड है ठीक है यहाँ पर देखो कितने बीड्स है, 1 2, कितने कलर किए हुए बीड्स है, 2, मतलब यह 100 प्लेस का जो रॉड है वह कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, 2। मीन्स यहाँ पर हमें नंबर कौन सा मिला, 2H, मतलब 2 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, मतलब इसको हमें पढ़ना कैसे है, 242। 4 10th प्लेस पर है, 4 10 40, मतलब और 2 की प्लेस वाली वही होती है, मतलब हमें नंबर कौन सा मिला, 242। इस तरीके से बच्चों आपको पेज नंबर 47 पर जो एबेकस जो दिया है एबेकस के पिक्चर, उस पिक्चर में एबेकस के जो रॉड्स होते हैं वंस टेंस 100 उस रॉड पर आपको कितने बीड से वह काउंट करके आपको उस नंबर के नीचे, उस रॉड के नीचे ही आपको कौन सा रॉड कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है यह आपको लिखना है। ओके, इस तरीके से देखो बच्चों हमें हमने आज क्या सीखा है, एबेकस पर आपको रॉड अगर दिए जाते हैं तो उस रॉड पर बीड्स होते हैं ना वह बीड को काउंट कैसे करना है और काउंट करके वह नंबर कैसे रिप्रेजेंट करता है और उसको पढ़ना कैसे है यह आज हमने इस वीडियो में सीखा है। थैंक यू।